एक ऐसा देश जो दुनिया में साइबर पावर में अपनी टॉप पोजीशन रखता है, और ये मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक यहूदी देश है। ये देश छोटा और इसकी जनसंख्या काफी कम है, वहीं इसके दुश्मन भी चारों तरफ से हैं। इसके अलावा इस्लाम को मानने वाले देश इसके सबसे बड़े दुश्मन कहे जाते हैं, यानी इनके बीच 36 का आंकड़ा रहता है। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। अब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। आज ये देश टेक्नोलॉजी, हथियार और साइबर पावर के मामले में कई बड़े देशों को पीछे छोड़ चुका है। इससे टकराने का नतीजा कई देशों को पता है और इसका नमूना भी इस देश ने पिछले कुछ सालों में पेश किया है। लेकिन आखिर ये देश है कौन सा और इसने कैसे अपने आप को साइबर पावर में इतना पावरफुल बनाया, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। कहते हैं छोटे बड़े खोटे होते हैं, और ये कहावत इस देश यानी इजराइल पर लागू होती है। दुनिया का ये पावरफुल देश जो काफी छोटा है, यानी इसकी एरिया और जनसंख्या को देखकर लोग अपनी औकात भूल जाएंगे और दो मिनट में इस देश को मसल देने की बात करेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ये देश छोटा तो है लेकिन बड़े बड़ों पर भारी पड़ता है। यानी जिस देश का अमेरिका जैसा पावरफुल देश दोस्त हो, उसका ताकतवर होना लाजमी है भाई, क्योंकि अमेरिका छोटे देशों से बिना फायदे के कम ही दोस्ती करता है। अगर हम इजराइल की एरिया की बात करें तो इसकी एरिया काफी कम और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ही कम रहती है। इसके बावजूद भी ये ताकत के मामले में दुनिया के टॉप देशों में आता है। आपको बता दे, इजराइल कुछ दशकों पहले काफी कठिनाइयों और युद्ध से जूझ रहा था। यहाँ की जनता परेशान थी, ईरान और सीरिया जैसे देश इस पर अटैक करते रहते थे। अगर हम इसके इतिहास पर एक नजर डालें, तो वो समय याद आ जाता है जब यौम किपर वॉर हुआ था, और इस वॉर में इजिप्ट और सीरिया ने मिलकर इजराइल पर अटैक किया था। आपको बता दे कि इस वॉर में इजराइल पहले से तैयार नहीं था, ना ही उसके पास आज जैसी ताकत थी, इसलिए इजराइल की सेना को पीछे हटना पड़ा, और इसी शर्मिंदगी के कारण उस समय की इजराइल की सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। इस वॉर में मिली हार के बाद इजराइल ने बहुत सीखा और इस पर काम करना शुरू कर दिया। इस देश ने कुछ दशकों में काफी काम किया, जिसमें इजराइल ने एक यूनिट बनाई जिसका नाम यूनिट 8200, यानी इजराइल रक्षा बलों की एक इजरायली इंटेलिजेंस कोर इकाई रखा गया। वैसे ये कहने के लिए तो एक आर्मी का इंटेलिजेंस ग्रुप था, लेकिन इसमें शामिल जवान साइबर इंटेलिजेंस का काम भी करते हैं। यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को टेररिस्ट ऑपरेशन को अंजाम देने में हेल्प करती है, और आज भी ये इजराइल की सुरक्षा में एक इम्पोर्टेंट योगदान देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस यूनिट ने 7 सितंबर 2007 में इजराइल की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर सीरिया के एक न्यूक्लियर ठिकाने अल केबार साइट पर एक स्ट्राइक करी थी, और इसका नाम ऑपरेशन आउटसाइड द बॉक्स रखा गया था। वहीं इसे ऑपरेशन आर्चर्ड के नाम से भी जाना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये यूनिट और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मिलकर कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम देती है, और इसमें वह सफल भी होती है, इसलिए दुनिया भर के देश इसकी ताकत का लोहा मानते हैं। और यही कारण है कि यह दुनिया के फ्रंट पेज पर आया और लोग इसके बारे में जानकर हैरान हो गए। ईरान, इराक और सीरिया जैसे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ ये देश मुस्लिम कम्युनिटी विरोधी कहा जाता है, यानी इसके कुछ मुस्लिम देशों को छोड़कर उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है। वहीं इस्लाम धर्म को मानने वाले देश यहूदी होने के कारण इसे अपना दुश्मन मानते हैं। वैसे इजराइल ने अपने देश की सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा काम किया है। ये एक ऐसा देश है जहाँ का प्रत्येक नागरिक सेना में सर्विस देता है। वहीं इजराइल को जो सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसकी टेक्नोलॉजी, यानी ये साइबर टेक्नोलॉजी के मामले में हर किसी को पीछे छोड़ देता है। वहीं अमेरिका जैसा देश भी इससे टेक्नोलॉजी के मामले में टकराने की हिम्मत नहीं करता है। अब जब सुपर पावर अमेरिका जैसा देश भीगी बिल्ली बन सकता है, तो छोटे देशों के बारे में कुछ कहना तो समय को वेस्ट करने जैसा है। आज इजराइल इसी टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया के एडवांस हथियार बनाता है, वहीं इसके पास एडवांस साइबर सिक्योरिटी भी है, जिसके दम पर ये दुनिया के किसी कोने में बैठे दुश्मन की कुंडली निकाल लेता है। यानी ये किसी भी दुश्मन की कुंडली को हैक कर सकता है। वहीं दुश्मन तो इसे हैक करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, और इसका जीता जागता नमूना हाल ही में रूस के द्वारा इजराइल पर करी गई हैकिंग अटैक से समझ में आता है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि रूस की हैकिंग ग्रुप कैस्परसी यानी एंटीवायरस ने इजराइल के डाटा को हैक करने की कोशिश करी थी,
और वहां से इंटेलिजेंस इंजीनियर ने उसे पकड़ लिया। वैसे ये काम करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये इजराइल है, यहाँ पर मुश्किल काम भी इजी होता है और इसे इजी करने के लिए ये जाना भी जाता है। इजराइल पर हर समय दुश्मन देशों का खतरा बना रहता है और इसका अंदाजा हर दिन हो रहे इजराइल और सीरिया, ईरान, इराक के बीच हथियारों के प्रदर्शन से लगा सकते हैं। यानी आपको हर महीने न्यूज में इन देशों के बीच लड़ाई को लेकर अपडेट आते रहते हैं, इसलिए इजराइल इनका मुकाबला करने के लिए हर दिन अपने आप को तैयार रखता है। इसके लिए वो अपने मोबाइल ट्रैफिक यानी इंटरनेट ट्रैफिक जो मोबाइल डिवाइस से आता है और सैटेलाइट को अलर्ट मोड में रखता है। वहीं साइबर हैकिंग को कंट्रोल करने और दुश्मन देशों के डाटा पर अटैक करने में इजराइल के हैकर्स माहिर हैं। इनके पास साइबर सिक्योरिटी में कई सारे पावरफुल टूल्स भी हैं। आपको बता दें, इजराइल अपने दुश्मन देशों के साथ टिट फॉर टैट का व्यवहार रखता है। अगर इसे नहीं समझे तो आपको बता दूं कि इजराइल अपने दुश्मनों को हॉलीवुड एक्शन मूवी की तरह ढूंढ कर चुन चुन कर मारता है। वैसे इसे आप ईंट का जवाब पत्थर से देना भी कह सकते हैं। लेकिन इजराइल की साइबर पावर को लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे और इसमें से जो सबसे पहला होगा वो ये होगा कि यूनिट 8200 में हैकर की स्किल क्या होती है और इनकी भर्ती किस बेस पर होती है, क्योंकि ये दुनिया की पावरफुल इंटेलिजेंसेज में आती है। आखिर कुछ तो बात होगी जो इन्हें दुनिया के दूसरे हैकर से डिफरेंट करती है। जी हाँ दोस्तों, इजराइल अपनी इंटेलिजेंस यूनिट में उन्हीं जवानों को भर्ती करती है जो देश के लिए आन बान शान और जान देने के लिए तैयार होते हैं। यानी ये जवान हैकर्स बोल्ड एंड ऑडेशियस होते हैं, यानी इनमें साहस कूट कूट कर भरा होता है। वहीं इनमें लीडरशिप क्वालिटी भी होती है। इसके साथ ही इजराइल दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर रिक्रूटमेंट करता है, वो ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप नहीं समझे तो आपको आसान भाषा में समझाते हैं। ये रिक्रूट ऐसे होते हैं जो फुली पोटेंशियल यानी सूझबूझ के साथ अपने काम को अंजाम देते हैं। आपको बता दे कि इजराइल में हर साल करीब 50,000 से 60,000 युवा इस इंटेलिजेंस यूनिट में भर्ती होने के लिए अप्लाई करते हैं और इसमें से जिसकी रैंक हाई आती है उन्हें यूनिट 8200 में और जिनकी रैंक लो रहती है उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है। वैसे जिन बच्चों को यूनिट 8200 में सेलेक्ट किया जाता है ये बच्चे बचपन से ही फिजिकली और मेंटली मजबूत होते हैं। वहीं इन्हें सेलेक्ट करने के बाद साइबर सिक्योरिटी में और ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया जाता है। वहीं इनकी ट्रेनिंग के दौरान दूसरी चीजों में भी इन्हें मजबूत बना जाता है। जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो इन्हें कुछ खास और खतरनाक प्रोजेक्ट्स यानी ऑपरेशनल प्रोजेक्ट दिए जाते हैं और इन प्रोजेक्ट को इन्हें एक डेडलाइन के अंदर पूरा करना होता है। जहां आज के समय युवा इंटेलिजेंस का नॉलेज रखने के बाद किसी बड़ी कंपनी में काम करके पैसा कमाना चाहते हैं, वहीं इजराइल में साइबर सिक्योरिटी में ट्रेंड युवा इसका इस्तेमाल अपने देश के लिए करते हैं और आने वाले युवाओं को ट्रेंड भी करते हैं। लेकिन ऐसा वो इजराइल के इंटेलिजेंस में 48 साल की सेवा देने के बाद ही कर सकते हैं। वहीं इस काम में इजराइल की सरकार भी इनकी काफी ज्यादा हेल्प करती है। सरकार इन ट्रेंड युवाओं को एक बड़ी कंपनी की तरह ही इन्हें पैसे और माहौल देती है। लेकिन साइबर पावर आज सभी देशों की नीड क्यों है, ये भी सवाल उठता है। आप जानते हैं कि किसी देश पर जब कोई डाटा लीक या टेररिस्ट साइबर अटैक होते हैं तो वहाँ पर देश की साइबर पावर के सामने ये एक चुनौती होती है। इसलिए हर देश अपने साइबर पावर को मजबूत रखता है और ये काम इजराइल भी करता है। इसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ है। आपको बता दे कि इजराइल अपने देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है जहां उस देश की बड़ी टेक और साइबर कंपनियां एक छत के नीचे काम करेंगी। वहीं इस देश के साइबर एक्सपर्ट अपने नॉलेज को आने वाले युवाओं को सिखाएंगे। इससे देश का साइबर पावर और आगे तरक्की करेगा। वैसे आज के समय इजराइल टेक्नोलॉजी और साइबर पावर में दूसरे देशों के लिए मिसाल कायम किया है और आगे भी करता रहेगा। तो दोस्तों, आपको इजराइल की साइबर पावर और इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर कैसा लगा? वहीं क्या आप इजराइल से जुड़ी हुई और बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।